भारत का अंतरिक्षीय अनुभव बहुत पुराना है। इसका उपयोग उस समय से किया जाता है जब रॉकेट को आतिशबाजी के रूप में प्रयोग किया जाता था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में 70 का दशक प्रयोगात्मक युग था, जिस दौरान आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी तथा एपल जैसे उपग्रह कार्यक्रम चलाए गए थे। इन सफल कार्यक्रमों की सफलता के बाद 80 के दशक में इनसेट तथा IRS जैसे उपग्रह कार्यक्रम शुरू किए गए थे, जो कि वर्तमान में प्रमुख कार्यक्रम है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनका भारत के वैज्ञानिक विकास में अहम योगदान रहा, 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार का गठन किया, जिसमें डॉक्टर साराभाई को सभापति के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अब तक 104 उपग्रहों को लॉन्च करने के अलावा 21 अलग अलग देशों के लिए भी 79 उपग्रह लॉन्च किए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्रक्षेपण यानी PSLV C-37 ने श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से एकल मिशन में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर से PSLV C-37 ने 15 फरवरी 2017 को सुबह 9:28 पर अपनी 39वीं उड़ान भरी है। PSLV C-37 के लॉन्च का कुल खर्च 100 करोड़ रुपए है। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष कॉरपोरेशन ने इन सैटेलाइट्स के लिए 200 करोड़ रुपए की डील की है, यानी उसे करीब 100 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसरो का बजट केंद्र सरकार के कुल खर्च का 34% और GDP का 0.08% है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसरो का पिछले 40 साल का खर्च नासा के एक साल के खर्च का आधा है। वहीं नासा की इंटरनेट स्पीड 91 GBPS है और इसरो की इंटरनेट स्पीड 2 GBPS है। पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम सुपरको है, जो कि 1961 में बनी थी, जबकि इसरो 1969 में। इसरो अब तक 86 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, बल्कि सुपरको सिर्फ 2 ही कर पाया है। वे भी विदेशी देशों की सहायता से। इसरो के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, जो कि 19 अप्रैल 1975 को रूस की सहायता से लॉन्च किया गया था। 1981 में एपल सैटेलाइट्स को बैलगाड़ी पर ले जाया गया था। भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 था। इस सैटेलाइट्स के डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। इसरो ने 2008-09 में चंद्रयान 1 सैटेलाइट्स लॉन्च किया था, जिसका बजट तकरीबन 350 करोड़ रुपए था, यानी नासा से 8 से 9 गुना कम था। इसी सैटेलाइट्स ने चांद पर पानी की खोज की थी। इसी तरह के रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।